नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज एक सिंपल सी रेसिपी शेयर करेंगे टोफू और वेजिटेबल नूडल्स की। इंडिया में रिसेंटली टोफू वाइडली अवेलेबल है, लेकिन हम लोग उसको ज़्यादा इंडियन रेसिपीज़ में यूज़ नहीं करते हैं। आज मैं आपको टोफू इस्तेमाल करने का बेसिक तरीका बताती हूँ और कुछ इंडियन रेसिपी में फटाफट यूज़ करने का तरीका भी बताती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। यदि रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो आइए शुरू करें। टोफू बनाने के लिए हम फर्म टोफू ले रहे हैं। ये प्लेन टोफू है। इसे हम 10 से 15 मिनट पानी में उबाल लेंगे। टोफू में थोड़ी सी बीन टेस्ट होती है। ये बीन टेस्ट कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, खासकर बच्चों को। इसको जब हम अच्छे से उबाल लेते हैं तो इसका ये बीन टेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। एक बारी जब हमारा टोफू अच्छे से उबल जाता है तो इसको हम पानी के नीचे धो लेते हैं। इसको आप 2 से 3 पानी से अच्छे से धोइए। टोफू जब ठंडा हो जाए तो इसको अब काट लेते हैं। काटने से पहले आप इसको अपने दोनों हाथ में लीजिए और थोड़ा दबा दीजिए। इसमें अंदर बचा हुआ पानी सब बाहर आ जाएगा। आज हम चिली टोफू बना रहे हैं, इसलिए मैं टोफू के क्यूब्स काट लेती हूँ। जब टोफू अच्छे से उबल जाता है तो ये थोड़ा स्पॉन्जी हो जाता है। एक पैन लेते हैं, इसमें वेजिटेबल ऑयल डालें। थोड़ा ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें ये कटा हुआ टोफू डाल देते हैं। इस टोफू को हमने 4 से 5 मिनट तक लो से मीडियम हीट पर भूनना है। भूनने के बाद ये स्पॉन्जीनेस और बढ़ जाती है। एक बारी जब टोफू अच्छे से भून जाता है, इसके स्पेसेस थोड़े खुल जाते हैं। देखिए, इस टोफू का कलर इस तरीके से आ जाना चाहिए। अब ये टोफू इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे आप किसी भी रेसिपी में यूज कर सकते हैं। मैंने जो आज चिली टोफू बनाया है वो एक रेडीमेड स्पाइस मिक्स से बनाया है। यदि आप ये रेडीमेड मिक्सचर यूज नहीं करना चाहते तो इसके सब्स्टिट्यूट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं। सबसे पहले गरम तेल में 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक कटी हुई डालिए। इसको करीब 1 मिनट पकाएंगे। इसमें अब हम 1 डाइस किया हुआ प्याज डाल देते हैं। इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे। इसको करीब 2 मिनट लगेंगे। इसमें अब हम अपने गाजर डाल लेते हैं। साथ में आप इसमें टमाटर डाल दीजिए और इनको 2 से 3 मिनट तक पका लीजिए। इन वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई करते वक्त हमने अपनी हीट मीडियम से हाई ही रखनी है। स्टर फ्राई का मतलब ही होता है हाई हीट में पकाना। इस दौरान हम इसमें कोई स्पाइसेस और नमक नहीं डालते। सब्जियों को अपना पानी नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें 1 शिमला मिर्च डाल देते हैं। इसको भी 2 मिनट पका लेते हैं। जो रेडीमेड स्पाइस मिक्स था उसको 1 कप पानी में मिला लेते हैं और उसको इसमें डाल देते हैं। जैसे जैसे ये उबलेगा ये स्पाइस मिक्स गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर होता है। एक बारी जब ये स्पाइस मिक्स 2 मिनट तक पक जाए तो इसमें हम अपना टोफू डाल देते हैं। टोफू डालने के बाद हमने इसको 4 से 5 मिनट तक पकाना है। क्योंकि हमारा टोफू पहले से ही स्पॉन्जी है, वो इन स्पाइसेस को अच्छे से सोक कर लेगा।
हमारा चिली टोफू बनकर तैयार है। चिली टोफू के साथ या तो हम फ्राइड राइस सर्व करते हैं या वेजिटेबल नूडल्स। तो आज मैं वेजिटेबल नूडल्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन नहीं है। नूडल्स बनाते वक्त हम अक्सर देखते हैं घर में हमारे नूडल्स चिपचिपे रह जाते हैं। आप सबसे पहले एक बर्तन में 1.5 से 2 लीटर पानी लीजिए। इसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। अब इसमें 1 टेबलस्पून तेल भी डाल लेते हैं। इसको उबाल लीजिए। जब ये उबल जाए तो इसमें हम अपने वेजिटेबल नूडल्स को डाल देते हैं। इनको हम करीब 1.5 से 2 मिनट तक पकाएंगे। डेढ़ मिनट बाद नूडल्स को चेक करते हैं। एक नूडल उठाते हैं और उसको तोड़कर देखते हैं। वो आराम से टूट जाना चाहिए पर मुलायम नहीं होना चाहिए। यही स्टेज है जब हम इसको पानी से निकाल लेंगे। नूडल में स्टार्च होता है जिससे ये चिपचिपे होते हैं। इस चिपचिपाहट को अवॉइड करने के लिए इनको रनिंग वाटर में अच्छे से धो लीजिए। इसमें 1 टेबलस्पून तेल डालते हैं और अच्छे से टॉस कर लेते हैं ताकि ये नूडल एक दूसरे से चिपके नहीं। वेजिटेबल नूडल्स बनाने के लिए हम लोग सारी वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई करेंगे। एक पैन लेते हैं, उसमें हम वेजिटेबल ऑयल डालेंगे और प्याज डालेंगे। थोड़ा सा स्टर फ्राई करते हैं। अब इसमें हम अपना जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रहे हैं। इन वेजिटेबल नूडल्स में इस जिंजर गार्लिक से ही फ्लेवर आता है। जिंजर गार्लिक को थोड़ा भून लीजिए ताकि जिंजर गार्लिक का फ्लेवर और उभर कर आ जाए। इसमें अब हम अपनी कटी हुई बंद गोभी डाल देते हैं, गाजर डाल देते हैं और स्लाइस की हुई शिमला मिर्च डाल देते हैं। हमने ये सारी कुकिंग मीडियम टू हाई फ्लेम में करनी है। स्टर फ्राई का मतलब ही है हाई फ्लेम में कुकिंग। इस दौरान हम इन सब्जियों में कोई मसाले नहीं डालेंगे। हाई हीट में कुकिंग के कारण इन सब्जियों का मॉइस्चर इन्हीं के अंदर लॉक हो जाता है और सब्जियां गीली गीली नहीं बनती। ऐसा हमें अपने नूडल्स के लिए चाहिए। इन सब्जी को हम थोड़ा टॉस कर लेते हैं। जब सब्जियां थोड़ी पक जाएं, तो अब हम इनमें अपने नूडल्स डाल सकते हैं। इसमें अब हम अपने स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली विनेगर भी डालिए, इससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। एक टीस्पून प्लेन विनेगर। नूडल्स को डालने के बाद हम इनको अच्छे से टॉस कर लेते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप डालें, बच्चों को पसंद आएगा।
एक बारी और टॉस कर लेते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालिए। हमने अभी नूडल्स को करीब 2 मिनट पकाना है, उससे ज्यादा नहीं। दो मिनट में ये नूडल्स अब बनकर बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें हम अपने चिली टोफू के साथ सर्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। यदि रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली बार।